नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मार्केट का सिनेरियो है, ब्रॉडर सिनेरियो जो कि हम हर वीक बात करते हैं। तो इस वीक में भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ग्लोबल मार्केट है क्या कर रहा है, निफ्टी सेंसेक्स का क्या हालचाल है, बिटकॉइन, यूएस डॉलर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये सारे जो है मार्केट के सिनेरियो को किस ओर लेके जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते। देखिए, डॉ जोन्स काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है डॉ जोन्स। तो मतलब ग्लोबल मार्केट काफी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, जबकि हमारे जो मार्केट है वो उसमें पिछले एक वीक में काफी वीकनेस देखने मिला है। तो वो हमें संकेत कर रहा है कि आप बाय ऑन डीप करें। ये ग्लोबल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ग्लोबल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम ध्यान देंगे अपने मार्केट में गिरावट जो है उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे। यहाँ पर देखिए जो इसका सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे आया मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से एक बार थोड़ा सा रिटेस्ट किया और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर बात करें अपने ऑल टाइम हाई पे निकल चुका है मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन देखने मिला है। ओवरऑल जो मार्केट है यूएस मार्केट वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो पिछले एक वीक दो वीक से, जबकि हमारा मार्केट पिछले एक वीक से काफी वीकनेस दिखा रहा है। तो ये मार्केट का सिनेरियो जो है आगे या तो डॉ जोन्स मतलब जो यूएस मार्केट यहाँ से वीक पड़ेगा, या तो हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग होने का संकेत दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में हम मुख्य रूप से डॉ जोन्स को ही फॉलो करते हैं। डॉ जोन्स काफी स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं लगातार बुलिश कैंडल यहाँ पर बन रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे निकल चुका है। यहाँ पर आप क्या करेगा, अब यहाँ या तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा या अपने ये बुलिश मूवमेंटम को कंटिन्यू करेगा। अभी इसमें हमें वीकनेस देखने नहीं मिलेगा, एक दो दिन गिरावट होगा तो वो एक साइडवेज यहाँ पर करेक्शन होगा। तो यहाँ पर या तो मार्केट करेक्शन करेगा या फिर ये बुल रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद हम इंडियन मार्केट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ग्लोबल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है डॉ जोन्स के अनुसार, लेकिन हमारा मार्केट देखिए लगातार पिछले वीक गिरावट देखने मिला। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट हमारा यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो। देखिए, जब मार्केट कोई एक ट्रेंड में होता है एक सप्ताह के लिए, जैसे बुलिश ट्रेंड हुआ, बियरिश ट्रेंड हुआ, फिर जाकर के वहाँ मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा क्या हो सकता है, साइडवेज। साइडवेज होने के बाद फिर नीचे के रेंज को ब्रेक करेगा तो ये वीकनेस दिखाएगा, मतलब वीक हो जाएगा, या तो फिर ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है तो ये काफी बुलिश हो जाएगा। तो मार्केट जो है अभी हमारा काफी बुलिश था, लेकिन एक वीक से काफी वीकनेस देखने मिला। फिलहाल हम बात करें यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, तो ये ट्रेंड लाइन पर काफी जबरदस्त यहाँ पर सपोर्ट है। तो इस ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है, या तो यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक जबरदस्त गिरावट हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पर सेंसेक्स, तो जैसा हमारा निफ्टी है वैसा ही सेंसेक्स है, क्योंकि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है, तो वहीं निफ्टी में हमारा टॉप 50 कंपनी है। तो निफ्टी बना है टॉप 50 से, सेंसेक्स बना है टॉप 30 से। तो टॉप 30 कंपनी क्या कर रही है, तो इसमें भी वही है, एक सप्ताह से गिरावट देखने मिला है। तो जब हमारा निफ्टी अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से सेंसेक्स भी काफी अच्छा करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं बिटकॉइन। तो देखिए, बिटकॉइन जो है यहाँ पर बिटकॉइन में भी गिरावट देखने मिला है पिछले एक दो दिनों में, और यहाँ पर जो बिटकॉइन है अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अपने ऑल टाइम हाई को ये लगभग क्रॉस किया था, लेकिन क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाया। तो जब तक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है, तब तक हम इसमें स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक गिरावट होगा या यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंटम होगा। साइडवेज मूवमेंटम के बाद अगर यहाँ पर एक रेंज बनाता है बिटकॉइन, और रेंज बनाने के बाद फिर अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से एक जबरदस्त मूवमेंटम हमें ऊपर की ओर देखने मिलेगा। उसके बाद अगला है यूएस डॉलर। तो यहाँ पर यूएस डॉलर देखिए क्या कर रहा है। तो यूएस डॉलर में यहाँ पर जो है काफी गिरावट देखने मिला, 75 रुपीज 70 पैसा के हाई बनाने के बाद यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर देखिए गिरावट देखने मिला। तो जो यूएस डॉलर है वो भी काफी वीक यहाँ पर देखने मिला है फिलहाल एक सप्ताह से, पिछले मतलब एक महीने से ये काफी जबरदस्त रूप से स्ट्रांग था यूएस डॉलर। तो अभी जो हमारा है रुपया स्ट्रांग हो रहा है, मतलब डॉलर वीक हो रहा है तो रुपया स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे यहाँ पर रुपया काफी वीक हुआ था क्योंकि एक डॉलर का कीमत 72 रुपीज से यहाँ पर 75-76 रुपीज के आसपास जा चुका था। तो थोड़ा सा एक सप्ताह से यहाँ पर जो है रुपया स्ट्रांग होता हुआ देखने मिला, मतलब डॉलर वीक होता हुआ, लेकिन फिलहाल यहाँ से स्ट्रांग रूप से यहाँ पर सपोर्ट मिला है। तो हो सकता है यहाँ से फिर से ये ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यूएस डॉलर जो एक पिछले सप्ताह से ये साइडवेज मूवमेंटम में है। उसके बाद आता है गोल्ड। तो देखिए, गोल्ड हमने पहले भी बात किया था जब यहाँ पर गिरावट मिला था कि काफी बेहतरीन मौका होगा जब ये 45,000 के आसपास था कि आप यहाँ पर बाय कीजिए। और वहां से देखिए ये अपना हाई लगा चुका है 48,000 का। तो लगभग यहाँ पर काफी जबरदस्त रिटर्न, 2,500 रुपये का रिटर्न मिला जो कि काफी बेहतरीन है। तो
तो अभी गोल्ड जो है ये भी अपने रेसिस्टेंस लेवल के आसपास है, तो अगर ये 48,300 के ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पर हमें ये 49,700 तक का लेवल दिखा सकता है, मतलब इवन 50,000 का भी लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा क्या ये ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है, अगर ऊपर के रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर काफी जबरदस्त यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने मिलेगा। उसके बाद अगला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी काफी बेहतरीन कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ देखिए जबरदस्त रूप से यहाँ पर मतलब बुलिस है, जबरदस्त रूप से तेजी दिखाया है। और वही वह बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ काफी दिनों से साइडवेज था, काफी दिनों से वीक था, जबकि निफ्टी हमारा काफी स्ट्रांग था। निफ्टी ऑप्शन से लगातार स्ट्रांग था जबकि बैंक निफ्टी काफी वीक चल रहा था। अभी देखिए बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग हो चुका है। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिए इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर लगातार बैंक निफ्टी निकल रहा है। तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, जो पिछला हाई था 37,600 उसको क्रॉस करके यहाँ पर देखिए 40,500 के लेवल को टच कर चुका है। तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग रूप से बुलिस है। अगला है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी काफी स्ट्रांग रूप से बुलिस है। देख सकते हैं यहाँ पर जो पिछले एक मंथ से इसमें काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला है। क्रूड ऑयल भी काफी स्ट्रांग है, मतलब अभी पूरी तरह से बैंक निफ्टी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, निफ्टी, डॉ जोंस सब के सब बुलिस है। तो सब के सब में काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला है। तो क्रूड ऑयल भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे में देखना होगा क्या ये अपने यहाँ पर न्यू हाई बनाता है या यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम दिखाता है। क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि एक बुल रैली के बाद वहां पर जो भी स्टॉक्स है, क्रूड ऑयल हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, एक साइडवेज मोमेंटम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक वीक से ये क्रूड ऑयल जो है साइडवेज है। तो अगर यहाँ पर ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है जो कि 6,325 तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। अगर नीचे के लेवल, नीचे का जो रेंज है 6,000 का, उसको ब्रेक करता है तो ये बेरिश हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह के रेंज को ये ब्रेक करता है, तो उस तरह से हमें मोमेंटम होता हुआ देखने मिलेगा। उसके बाद अगला है जो निफ्टी जूनियर है, जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी यहाँ पर काफी जबरदस्त रूप से गिरावट देखने मिला। जब हमारा जो टॉप 50 कंपनी वही गिर रहा है, तो जो नेक्स्ट टॉप 50 कंपनी हो सकती है, जो नेक्स्ट 50 कंपनी हम चुनते हैं, तो उसमें तो यहाँ पर काफी जबरदस्त गिरावट देख सकते हैं। लगभग 5 डेज पे लगातार ये गिरावट है, और ये अपना यहाँ था 45,000 से भी ऊपर, और यहाँ पर 42,000 पे पहुंच चुका है। तो इस तरह से अगर गिरावट कंटिन्यू रहता है एक तो सप्ताह, तो काफी हमें गिरावट देखने मिलेगा, मतलब एक बड़ी गिरावट मार्केट में होता हुआ देखने मिल सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक मार्केट जो एक सप्ताह से काफी जबरदस्त रूप से गिरा है, और ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको गिरावट में बाय करने का। तो कब बाय करेंगे, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होने देंगे, साइडवेज होने के बाद ऊपर की तरफ रेंज को ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू रहता है इसी तरह का फॉल, तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। कभी भी फॉलिंग मार्केट में गिरते हुए मार्केट में बाइंग नहीं करना चाहिए। तो जैसे ये साइडवेज हो जाता है, निफ्टी हो या निफ्टी जूनियर हो या बैंक निफ्टी हो, उसके बाद बैंक निफ्टी तो काफी बुलिश है, निफ्टी और निफ्टी जूनियर मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग जो इंडेक्स है CNX MNC, तो इसमें भी काफी जबरदस्त गिरावट है। और वहीं पर बात करें हम जो IT सेक्टर है, उसमें भी गिरावट है पिछले 3 दिनों से। फिर यहाँ पर बात करें अगला जो इंडेक्स है हमारा कंज्यूमर सेक्टर, इसमें तो काफी जबरदस्त गिरावट है, काफी भयंकर गिरावट। उसके बाद FMCG सेक्टर, इसमें भी काफी ज्यादा गिरावट, क्योंकि जो HUL है काफी ज्यादा क्रैश हुआ है इस गिरावट में। तो ये सब एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। सर्विस सेक्टर ये तो अभी भी मतलब देखिए सस्टेन है, थोड़ा बहुत खाली करेक्शन हुआ है, कोई गिरावट नहीं हुआ है। देखिए फार्मा सेक्टर काफी ज्यादा क्रैश हुआ है, तो फार्मा सेक्टर में आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। देखिए जो गिरावट है, ये गिरावट अगर टेम्पोररी बेसिस है, तो जैसे गिरावट के बाद साइडवेज होता है, यहाँ पर इंडेक्स को देखते रहना है। जैसे साइडवेज हुआ फार्मा सेक्टर, तो बस फार्मा के जो सेक्टर के लीडर स्टॉक्स है उसके साथ चले जाइए आप, निश्चित रूप से काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। फाइनेंस सेक्टर अभी भी काफी बुलिश है, फाइनेंस सेक्टर में कोई गिरावट नहीं है। अब देखिए ऑटो सेक्टर काफी बुलिश हुआ करता था, तो ऑटो सेक्टर में भी काफी ज्यादा मतलब गिरावट हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हमें FMCG सेक्टर सब में देखने मिला। मेटल सेक्टर में भी काफी गिरावट, जबकि मेटल सेक्टर भी काफी बुलिश दिख रहा था। देखिए ये सारे सेक्टर है जिसमें अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी सस्ते हो चुके हैं। 20% 30% का करेक्शन मात्र 5 दिनों में हो चुका है। फिर यहाँ एनर्जी सेक्टर, इसमें कोई खास गिरावट नहीं है। फिर मीडिया सेक्टर, इसमें भी कोई खास गिरावट नहीं है। फिर अगला है इंफ्रा सेक्टर, इसमें भी कोई खास गिरावट है, लेकिन करेक्शन हुआ है। देखिए 5 दिन लगातार गिरा है ये सेक्टर भी। उसके बाद यहाँ पर रियलिटी सेक्टर, 3 दिन गिरने के बाद 4th दिन इसमें भी रिवर्सल का साइन दे चुका है।
आप देखिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इसमें भी लगातार 4 दिन गिरावट, उसके बाद यहाँ पर कमोडिटीज इसमें भी लगातार 4-5 दिन से गिरावट हो रही है। फिर उसके बाद है पीएसयू बैंक, इसमें अभी कोई गिरावट देखने नहीं मिला है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है। फिर यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स ये भी काफ़ी मतलब अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त रूप से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी भी ये बेयरिश नहीं हुआ है। फिर यूटिलिटीज ये भी मतलब अभी करेक्शन सिर्फ हुआ है, कोई गिरावट नहीं हुआ है। फिर टेलीकॉम सेक्टर इसमें भी साइडवेज मूवमेंट हमें देखने मिला है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पावर सेक्टर में भी काफ़ी कम गिरावट देखने मिला है। तो हर सेक्टर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे फाइनेंस सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीडिया सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या तो उसके साथ जाइए, या जैसे एफएमजी सेक्टर इवर ग्रीन सेक्टर है, काफ़ी स्टॉक्स गिरावट में मिल रहा है। जैसे एचयूएल सब का शेयर काफ़ी गिर चुका है 20%, तो गिरावट का अपॉर्चुनिटी उठाइए, गिरावट का मौके का फायदा लीजिए और सस्ते में स्टॉक्स को बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।